हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज की सिलाई करेंगे। इसकी कटिंग मैंने अपने पहले वीडियो में दे रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल ब्लाउज की कटिंग सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्लेटें डालते हैं, इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ से करीब आधा आधा इंच आधे इंच की सिलाई रखेंगे यहाँ से। इसी तरह से इधर भी प्लेट डाल लेंगे। एक प्लेट यहाँ भी डालेंगे, चार प्लेटें हैं तो तीसरी प्लेट डाल रहे हैं हम। इस तरह से चारों प्लेट्स डाल लेंगे यहाँ। अब इसी तरह इस वाले भाग में भी प्लेट्स डाल लेंगे, दूसरे भाग में। इस तरह से दोनों भाग में प्लेट डाल लेना है। ये इस तरह डाल लिए हैं, अब हम पीछे वाले भाग में इसी तरह प्लेट डालेंगे। इस तरह से दोनों भाग पे एक एक प्लेट डाल लेना है, यहाँ पे इस तरह पकड़ना है और आधे या आधा से थोड़ा ज़्यादा लेके मोड़ना है यहाँ और सिलाई कर देनी है। इस तरह पहले डबल सिलाई करनी है ताकि हमारी सिलाई टूटे ना। इसी तरह दूसरा प्लेट भी डाल लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों प्लेट डाल लिए हैं। अब हम दोनों भाग पे आगे वाले काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी काट लेनी है, इसमें काज बनेगा हमारा। यहाँ रख के और तीन पॉइंट छोड़ के सिलाई करनी है। अब इसी तरह से इसको इधर घुमाएंगे, घुमा के इस तरह मोड़ेंगे और ऐसे कर देंगे इस तरह। इसी तरह दूसरे भाग पे भी लगा लेना है। ये हमारा हुक के लिए है, उसमें हुक का
हुक फंसाने के लिए काज बनेगा उस वाले में, इसमें हुक लगाया जाएगा, ये अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, इस तरह करेंगे इसको। अब इसको पहले एक बार इस तरह सिलाई करेंगे ऊपर से, इस तरह फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। इस तरह से काज और बटन की पट्टी लगा लेना है, ये मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब आस्तीन की सिलाई करेंगे। आस्तीन को पहले इस तरह से लेना है, आगे और पीछे का दोनों भाग इस तरह से रख के सिलना होगा। ये दोनों भाग आगे ही है, इसको अंदर की साइड मोड़ना होगा, इस तरह से करेंगे। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी आगे मोड़ लेंगे, इस आस्तीन को भी। इस तरह से आस्तीन का ये दोनों आगे वाला भाग हमने मोड़ लिया है। अब हम कंधा जॉइंट करेंगे इस तरह से, इसको इस भाग को लेके इस पे रखेंगे। इस तरह से दोनों कंधा जॉइंट कर लिए हैं। अब इसमें हम आस्तीन जॉइंट करेंगे, इस तरह करेंगे, पहले खोलेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेप वाला भाग है आगे वाले ही भाग में जुड़े, तो इस तरह रखेंगे। ये इसी तरह से आगे वाले भाग में जुड़ना चाहिए, यहाँ से लेके हम यहाँ इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। ये मैंने इस तरह से आस्तीन जोड़ ली है। इसी तरह से दूसरे भाग में भी हम आस्तीन जोड़ लेंगे, इस वाले भाग में। ये इस तरह से मैंने आस्तीन जॉइंट कर लिया है इसमें। अब हम इसको इस तरह से मोड़ करके फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पे ब्लाउज का। यहाँ से अब हम इसी फिटिंग के निशान पे सिलाई कर लेंगे।
इसी तरह दूसरी तरफ भी सिल लेंगे जिस तरह इधर सिले हैं। इस तरह से दोनों साइड में मैंने सिल लिया है, इधर भी और इधर भी। अब हम नीचे सिलाई करेंगे, यहाँ इस वाले भाग में इस तरह से फोल्ड करके फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। ये मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम गले की पट्टी लगाएंगे यहाँ पे गले में। गले की पट्टी लगाने के लिए इस तरह से मैंने और एक पट्टी काट के रखी हुई है, तो इसको इस तरह लेना है और इस तरह से रख के और 3 पॉइंट लेके सिलाई कर देनी है। इसी तरह से और पट्टियां भी ज्वाइंट करते जाना है। जितने जितना भी लंबा गला बना हो उतना ही पट्टियां ज्वाइंट कर लीजिए यहाँ पे नाप के। ये मैंने इस तरह से जोड़ लिया है गले की पट्टी। अब इसको इधर उधर से थोड़ा ये जो अलग अलग से कपड़ा दिख रहा है इसको हम बराबर कर लेंगे। जैसे इधर से दिख रहा है तो इधर से ऐसे निकाल लेंगे इसको यहाँ यहाँ से। गले की पट्टी अब इस तरह लेके ऐसे मोड़ लेंगे आगे, फिर इस तरह से कर लेंगे और अब हम यहाँ से गले की पट्टी बैठाएंगे। 3 पॉइंट छोड़ के हमको सिलाई करनी है यहाँ पे। थोड़ा खींच के, और एक पट्टी है तो थोड़ा खींच के इसको लगाते हैं ताकि गला बैठा रहे। ऐसे किए, ऐसे खींच लेंगे थोड़ा सा। इसी तरह पूरे गले की पट्टी बैठा लेनी है। इस तरह से मैंने गले की पट्टी बैठा ली है। अब इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ के इसको काट लेना है इतने इतने के। इस तरह से मैंने पूरी पूरी पट्टी को थोड़ा थोड़ा छोड़ के कटिंग कर ली है। अब इसको हम इस तरह से मोड़ के गोल वाली पाइपिंग बनाएंगे इस तरह। इस तरह ऐसे करेंगे और नीचे की तरफ मोड़ेंगे। हमको एकदम यहीं पे सिलाई चलानी है इसकी। इस तरह से पाइपिंग हमने बैठा लिया है और ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।